सो टूडेज टॉपिक इज ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ लीनियर इन इक्वलिटीज इन टू वेरिएबल्स इसके पहले क्लास में हमने सीखा था ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ लीनियर इन इक्वल्टीज इन वन वेरिएबल वन वेरिएबल मीन्स एक्स या फिर वाई कोई सा एक सिंगल वेरिएबल हो एक्स इज लेस देन वन एक्स इज ग्रेटर देन वन एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू वन मीन्स फोर काइंड के इन इक्वलिटीज हो सकती है मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इनका हमने ग्राफिकल सोल्यूशन देखा था ग्राफिकल सोल्यूशन में क्या किया था सपोज इसका सोल्यूशन हम करते हैं फर्स्ट वाले का तो यहां पे हमने क्या किया था नंबर लाइन नंबर लाइन पे दिस इज पॉइंट वन एक्स इज लेस देन वन मीन्स वी आर गोइंग टूवर्ड्स माइनस इनफाइनाइट एंड वन इज नॉट इंक्लूडेड तो यहाँ पे एक सर्कल का पोर्शन रख दिया था ये था लीनियर इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल सिंगल वेरिएबल अभी हमें टू वेरिएबल देखना टू वेरिएबल मीन्स टू वेरिएबल होंगे एक्स होगा वाई होगा टेंथ क्लास में अपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ रखा है जहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मेथड ऑफ सब्सिट्यूशन थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा टेंथ क्लास में पढ़ा था ना तो सबसे पहले देख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म होते क्या है टू वेरिएबल इक्वेशन के ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इस टाइप के जो इक्वेशन होते हैं इज इक्वल टू जीरो सपोज ऐसा इक्वेशन है दिस इज द फॉर्मेट ऑफ टू वेरिएबल इक्वेशन टू वेरिएबल इक्वेशन का फॉर्मेट है अब हमें इसे इन इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करना है तो इन इक्वेशंस के फॉर्म में होंगे तो ये इक्वेशन कैसे होंगे लेस देन जीरो ग्रेटर देन जीरो ग्रेटर देन आर इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू जीरो इतनी फोर पॉसिबिलिटीज हो सकती है तो जो भी ये इक्वेशंस होते हैं टू वेरिएबल्स के लीनियर इक्वेशंस दे आर रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ लाइन ये लाइन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और आपके पास एक इंफॉर्मेशन और है नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा था जहाँ पे आपको ग्राफ बनाने होते थे इक्वेशंस के 2x एक्स प्लस थ्री वाई प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो तो यहां पे आप क्या करते थे x और y ऐसे ड्रॉ करते थे x एंड y और ये बॉक्सेस फिल करते थे यहां पे पॉइंट की वैल्यू पुट करते थे y की वैल्यू निकालते सपोज x की वैल्यू यहां पे पुट कर दी y निकाल दिया एक्स की वैल्यू दूसरी वैल्यू से पुट कर दी वाई निकाल दिया तो एम क्या था फिर सारे पॉइंट्स को हम क्या करते थे एक्स और वाई एक्सिस पे पुट करके सारे को कनेक्ट कर देते थे तो इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्म हो जाता था ये आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ रखा है सेम स्ट्रेटजी यहाँ भी करनी है हमें इक्वेशन ऑफ लाइन पहले ड्रॉ करना होगा देन इन इक्वलिटीज के साथ हमें डील करना होगा तो वन बाई वन डिस्कस करते हैं हाउ टू ड्रॉ द इक्वेशन ऑफ लाइन ओके अगला टॉपिक यही है फिर इन हम डिस्कस करेंगे क्योंकि तो आपको पहले तो लाइन का इक्वेशन ड्रॉ करना आना चाहिए ओके सो वन बाई वन स्टार्ट करते हैं कोई भी लाइन होगी उसको ड्रॉ करने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड पॉइंट कितने पॉइंट कम से कम चाहिए होंगे आपको लाइन को ड्रॉ करने के लिए सो so, हमारे पास सपोज करो वन पॉइंट है तो सिंगल पॉइंट से कितनी लाइन ड्रा होगी ढेर सारी लाइन ड्रा हो सकती है ना ये सपोज करो ये वाला पॉइंट है थोड़ा शिफ्ट कर दिया ना तो ढेर सारी इनफाइनाइट मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट तो एक अगर पॉइंट है तो कम से कम हमें एटलीस्ट टू पॉइंट्स चाहिए होंगे लाइन के इक्वेशन को ड्रॉ करने के लिए अगर हमारे पास टू पॉइंट्स हैं तो आई कैन ड्रॉ द इक्वेशन ऑफ लाइन सपोज ये पॉइंट है ये पॉइंट है दोनों पॉइंट्स को आप कनेक्ट कर दीजिए दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन अब इक्वेशन ऑफ लाइन्स की लेंथ कितनी होती है इनफाइनाइट लेंथ होती है हमने ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी दैट मीन्स दिस इज गोइंग टूवर्ड्स इन्फाइनाइट ये भी इनफाइनाइट की तरफ जा रही है तो ये तो कुछ बेसिक से रूल्स हैं जो आप सारे आई थिंक जानते हैं नाइन्थ क्लास में जैसे हमने लाइन का इक्वेशन ड्रॉ किया था सेम वही पैटर्न हमें भी अभी भी सीखना है बस थोड़ा सा ट्रिक्स होंगी थोड़ा सा स्मार्ट वर्क होगा क्योंकि आपका स्टैंडर्ड ऊपर हो चुका है सो so, कुछ कैटेगरीज हैं लाइंस की देख लेते हैं फर्स्ट लाइन का इक्वेशन like में बी लाइक दिस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वॉट इट मीन्स लाइन के इक्वेशन में एक्स होंगे वाई होगा और एक कॉन्स्टेंट टर्म होगा सी मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म इसका एग्जाम्पल लेते हैं एग्जाम्पल मे बी लाइक दिस टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इस कैटेगरी का इक्वेशन होगा हाउ टू ड्रॉ द इक्वेशन ऑफ लाइन अपने नाइन्थ क्लास में जो सीख रखा है वैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं बट यहां पे मैं थोड़ा सा डिफरेंट आपको बता रहा हूँ जब भी इस टाइप के इक्वेशन ऑफ लाइन आपको ड्रा करनी हो जहाँ पे एक्स वाई एंड कॉन्स्टेंट टर्म हो तो ड्रॉ करने का एक सिंपल सा तरीका है आप एक्स वाई हमें टू पॉइंट्स चाहिए होंगे अपना टारगेट पहले तो दिमाग में सेट कर लो वी है रिक्वायरमेंट इज टू पॉइंट्स तो इन टू पॉइंट्स को मिनिमम टू पॉइंट्स आप ड्रॉ कर दीजिए यू कैन ड्रॉ द लाइन x की वैल्यू पहले जीरो पुट करो आप और फिर y की वैल्यू जीरो पुट कर दो तो ये दो पॉइंट्स आपने पहले से ही फाइंड आउट कर लिए एक्स इज जीरो यहां पर देखना है इस इक्वेशन में अगर आपने एक्स को जीरो रखा है तो थ्री वाई प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो दैट मीन्स वाई इज इक्वल टू माइनस टू तो वाई इज इक्वल टू माइनस टू अगेन इफ वाई इज जीरो देन एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री तो आपके टू पॉइंट्स हो गए पहला पॉइंट्स है जीरो कॉमा पहला पॉइंट्स कौन सा है जीरो कॉमा माइनस थ्री जीरो कॉमा माइनस जीरो कॉमा माइनस टू दूसरा पॉइंट है जीरो कॉमा सॉरी माइनस ये डिलीट कर देता हूं दिस पॉइंट इज माइनस थ्री कॉम जीरो मीन्स एक पॉइंट्स पे एक्स की वैल्यू जीरो है एक पॉइंट्स पे वाई की वैल्यू जीरो है अब इन दोनों पॉइंट्स को आपको एक्स एंड वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना है सिंपल ओके okay. अभी आपका पहला पॉइंट क्या था यहां से देख लीजिए जीरो कॉमा माइनस टू एक्स की वैल्यू जीरो है वाई की वैल्यू माइनस टू है एक्स जीरो कहां पे होता है वाई एक्सिस पे होता है तो सिंपली आप पॉइंट्स को रख दीजिए वाई एक्सिस पे जीरो कॉमा माइनस टू एंड माइनस टू कॉमा एक मिनट ये पॉइंट्स तो जीरो कॉमा माइनस टू मीन्स निगेटिव डायरेक्शन दैट मीन्स ये यहां से मैं डिलीट करता हूं जीरो जीरो तो एक्स एक्सिस को इंडिकेट किया माइनस में है दैट मीन्स निगेटिव डायरेक्शन एंड माइनस थ्री कॉमो जीरो दैट मीन्स माइनस थ्री कॉमो जीरो यहां पर होगा तो आपको दोनों पॉइंट्स एक्स और वाई एक्सिस पे मिल जाएंगे जैसी मैंने स्ट्रेटी बताई है ऐसे दोनों पॉइंट्स मिल गए अब दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर दीजिए देन दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ लाइन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया ये इक्वेशन ऑफ लाइन दोनों एक्सटेंड कर दिया तो ये लाइन का इक्वेशन हो गया ठीक है तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमने ड्रॉ कर लिए हमें इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉ करना आना चाहिए अब इससे रिलेटेड जो इन होंगी कैसे डील करेंगे एक मैं जितने हैं हैं सारे डिस्कस कर देता हूं। okay, अब यहां से कितनी आपके में हो सकती हैं। देख लेते हैं पहले तो आप लाइन ड्रॉ करना सीख लो फिर इन इक्वल्टीज हम डिस्कस कर equal, में क्या होगा ग्रेटर देन जीरो हो सकता है लेस देन जीरो टू जीरो हो सकता है एंड इक्वल टू जीरो ग्रेटर देन आर इक्वल टू सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इन लाइन के साथ तो पहली कैटेगरी हमने डिस्कस कर ली सेकंड लाइन की कैटेगरी क्या होगी सेकंड इक्वेशन x एंड y दोनों होंगे कांस्टेंट टर्म नहीं होगा हमारे पास सपोज दिस दिस वन इज द सेकंड टाइप मींस ऐसा हो सकता है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू जीरो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म दैट मीन्स हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो जब भी हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म नहीं होगा तो 100 परसेंट जो हमारी लाइन का इक्वेशन होगा दैट इज ऑलवेज पासिंग थ्रू जीरो 00 जीरो जीरो वाले पॉइंट से लाइन का इक्वेशन पास करेगा जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो इस इक्वेशन में अगर x और y दोनों दोनों के जो साइन है सेम है साइन मीन्स एक्स भी पॉजिटिव है यहां पर देख रहे हो वाई भी पॉजिटिव है अगर ऐसा हो रहा है एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों अगर पॉजिटिव हैं एक साथ तो यहाँ पे क्या होगा दिस कैन बी रिटर्न एज एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई दैट मीन्स एक्स पॉजिटिव तो वाई नेगेटिव वाई पॉजिटिव तो एक्स नेगेटिव तो ऐसा किस क्वाड्रेंट में होता है यहाँ पे एक्स पॉजिटिव होता है ये भी पॉजिटिव होता है यहाँ पे एक्स नेगेटिव होता है और यहाँ पे वाई नेगेटिव होता है ओके सो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट देखना इस ग्राफ को मैं थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ सेकेंड क्वाड्रेंट में सिचुएशंस क्या होती हैं सेकेंड क्वाड्रेंट की यहाँ पे कर लेते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, ये वाला क्वाड्रेंट, यहाँ पे क्या होता है एक्स वाई पॉजिटिव है एक्स नेगेटिव है यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है वाई निगेटिव दैट मीन्स यहाँ पे साइन अपोजिट होते हैं तो ये ग्राफ जीरो ज़ीरो से तो पास करेगा बट दिस इज द लाइन पासिंग ज़ीरो ज़ीरो ओके तो ये ग्राफ होगा x इज इक्वल टू माइनस वाई का x इज इक्वल टू माइनस वाई से यहां पे मेरा सिंपल एम है दोनों के साइन डिफरेंट है ऐसा भी हो सकता है थ्री एक्स इज इक्वल टू माइनस और फोर वाई तब भी यही ग्राफ होगा हमें एक्चुअली एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बनाना है हमें एक रफ एस्टिमेट बनाना है कि लाइन इज पासिंग इन दिस क्वाड्रेंट बस एक स्ट्रक्चर आना चाहिए हाँ ग्राफ पेपर होगा आपके पास ये सारे सॉल्यूशंस ग्राफ पेपर पे बनाइएगा तो ज्यादा बेटर होगा अदरवाइज वैसे भी आप बना सकते हैं कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं ग्राफ पेपर यू मे यूज तो ये हो गया एक्स और वाई दोनों का साइन अपोजिट है सपोज करिए ये ऐसा है यहीं पर डिस्कस कर लेता हूँ मैं दोनों कैटेगरी एक्स इज इक्वल टू वाई इस कैटेगरी का, का है अब यहां पे दोनों का साइन सेम है दैट मीन्स फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर में साइन सेम होता है तो यहां पे हम अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये यहाँ पे बेसिक एम क्या है हमारा ये ग्राफ जो है हमारा जीरो जीरो से पास करेगा दिस इज द एम जीरो जीरो से हमारी जो लाइन है जीरो जीरो से पास करेगी सो थोड़ा सा डार्क करना पड़ेगा ये लाइन कहाँ से पास करेगी जीरो जीरो से अगर दोनों का साइन सेम है तो फर्स्ट और थर्ड से अगर दोनों का साइन डिफरेंट है सेकेंड एंड फोर्थ से तो ये ध्यान रखना कॉन्स यहाँ पे कॉन्स्टेंट कुछ भी हो सकता है दैट मीन्स ये ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है थ्री एक्स हमें x और y का सिर्फ कोफिशियंट देखने हैं दोनों अगर सेम है तो ये ओके सो नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी है अभी हमने क्या देखा एक्स है वाई है कॉन्स्टेंट टर्म है पहला दूसरा है एक्स है वाई है कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है अभी एक एक थर्ड कैटेगरी में भी लाइक दिस ये सब नाइन्थ क्लास में पढ़ चुके हो आप x है कॉन्स्टेंट टर्म है y डिफरेंट नहीं है तो कैसे बनेंगे एक्स है कॉन्स्टेंट टर्म है कुछ भी हो सकता है फोर फाइव मैंने फोर लिया एग्जाम्पल्स एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर सपोज अब ये फेमस वन है एक्स की वैल्यू फिक्स हो गई वाई के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है दैट मीन्स वाई कैन टेक एनी वैल्यू एक्स की वैल्यू फिक्स हो गई तो वहां पे सपोज ये माइनस फोर है तो वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस तो एक लाइन ड्रॉ करिए वाई एक्सिस के पैरेलल में होनी चाहिए तो यहां पे मैं दिस इज द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस तो ये हो गया एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर का ग्राफ ओके क्लियर है जैसे x is equal to 3. तो क्या होगा ये थ्री पॉइंट है थ्री तो फिक्स हो गया अब वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी क्योंकि वाई की कोई सी वैल्यू हो सकती है एक्स की वैल्यू फिक्स हो गई है सो दिस इज द थर्ड कैटेगरी एंड फोर्थ वन एंड फेमस वन फोर्थ भी आप जानते हो सिमिलर पैटर्न होगा फोर्थ वन अब वाई और कांस्टेंट टर्म आते हैं सपोज वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो सो वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री मीन्स वाई की वैल्यू फिक्स हो गई है दैट मीन्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाई इज माइनस थ्री दैट मीन्स दिस इज माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री ये पॉइंट है माइनस थ्री का वाई की वैल्यू फिक्स कर दी अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो हमारे पास फोर कैटेगरियाँ वन बाई वन एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट टाइम फर्स्ट कैटेगरी थी हमारे पास लाइन की इक्वेशन की जहाँ पे एक्स था वाई था और सीधा आपको लाइन का इक्वेशन अगर ड्रॉ करना आ गया तो यू यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन वेरी इजिली अदरवाइज लाइन का इक्वेशन नहीं आएगा तो क्वेश्चन आप स्टार्ट नहीं कर पाओगे दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी सेकंड थी एक्स और वाई दोनों है यहां पे दो टाइप हमने डिस्कस किए एक्स और वाई दोनों का नेचर सेम है दोनों का नेचर डिफरेंट है दोनों का नेचर सेम है तो आप सिंपली याद रखो कि दोनों का नेचर अगर सेम है तो फर्स्ट और थर्ड क्वारन में सेम होता है मीन्स प्लस प्लस होता है माइनस माइनस होता है और अगर अपोजिट नेटर है तो सेकेंड और फोर्थ क्वार में तो हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि लाइन ऑलवेज पासिंग थ्रू जीरो ज़ीरो अभी आपको ये सारा डिस्कशन जो भी हुआ है अच्छे से नोट इट डाउन जब तक नोट नहीं करेंगे प्रैक्टिस नहीं करेंगे आगे की एक्सरसाइज आना बहुत मुश्किल काम है ठीक है क्योंकि ये लास्ट कॉन्सेप्ट है अदरवाइज और कोई कॉन्सेप्ट वाला पॉइंट नहीं है हमारे पास अब सिंपली आपको सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व करने ओके okay. तो दिस इज द लास्ट वन एक्स प्लस फोर और एक्स प्लस थ्री मीन्स एक्स और कॉन्सेंट हम वाई और कॉन्सेंट हाउ वी डील द सिचुएशन लाइक दिस अब डिस्कस करते हैं हम कुछ सिलेबस पे आते हैं सपोज क्वेश्चन इज एक्स प्लस वाई इज लेस देन फाइव टू वेरिएबल प्रॉब्लम है इनइक्वलिटी की प्रॉब्लम है ठीक है धीरे धीरे सीखना है यहां से सिक्स मार्क्स के क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट आपके एग्जाम में आते हैं सिक्स मार्क्स एमसीक्यू क्यू टू मार्क्स मीन्स हर टाइप के क्वेश्चन आएंगे इज लेस देन ये ये हमारी प्रॉब्लम है। अब ये किस कैटेगरी की है देखना X है y है पे, और कॉन्स्टेंट भी है तो सबसे पहले हम मेक इट इक्वलिटी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव इसका ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं अभी हमने आपको बताया कि कॉन्स्टेंट टर्म है एक्स और वाई है इस टाइप के ग्राफ को कैसे ड्रॉ करते हैं वेरी सिंपल इट इज़ ओके कैसे ड्रॉ करते थे बहुत सिंपली है हमने एक चार्ट बनाया था जहाँ पे दोनों टर्म्स हैं वहाँ पे हम एक्स वाई लिया कितना जल्दी से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ जीरो जीरो यहाँ पे कर लिया ये गेम भी है ना खेलते हो तुम लोग ज़ीरो ज़ीरो अब x की वैल्यू हमने ज़ीरो पुट की तो y की वैल्यू क्या होगी फाइव देखना इस इक्वेशन में x अगर जीरो होगा तो y क्या हो जाएगा फाइव और y जीरो होगा तो x क्या हो जाएगा फाइव दैट मीन्स हमारे पास टू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट हैं टू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट आ गए यहाँ पे टू पॉइंट्स का सेट आ गया ज़ीरो कॉमा फाइव एंड फाइव कॉमा ज़ीरो डिस्कशन हो चुका है ओके okay. अब ड्रॉ करते हैं लाइन ये है एक्स एक्सिस ये है वाई एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सिंपल हो गए अब लाइन का इक्वेशन तो टू डी में ही बनेगा टू डी मीन्स एक्स और वाई एक्सिस हमें रिक्वायरमेंट है कार्टेशियन प्लेन हमें चाहिए होगा अदरवाइज हम लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते प्लेन में ही लाइन ड्रॉ होगी ना ओके okay. अब हमारे पास पॉइंट है जीरो फाइव एंड फाइव जीरो जीरो फाइव का मीन्स हो गया एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे फाइव यूनिट लेना है और फाइव जीरो का मतलब हो गया एक्स एक्सिस पे फाइव यूनिट लेना है तो दोनों को कनेक्ट करिए पहला हमारा एम है लाइन को ड्रॉ करना ओके okay. लाइन हमने ड्रॉ कर ली कर ली आई थिंक ईजली तो पहला पहला तो आपका प्राइमरी कंडीशन है लाइन ड्रॉ करना आना चाहिए अब इस इनिक्वल्टीज को कैसे डील करेंगे मेन क्वेश्चन तो ये है एक्स प्लस वाई इज लेस देन फाइव मीन्स एक्स और वाई का एडिशन क्या है जीरो है जब भी आप लाइन ड्रॉ करते हो जब भी आप लाइन का इक्वेशन ड्रॉ करते हैं तो लाइन क्या करता है प्लेन को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है एक बड़ा सा ग्राफ बना लेते हैं इस पेज पे मैं बना लेता हूँ बनाने का स्टाइल तो आप समझ गए हैं तो अब ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं ओके okay. ये है लाइन का इक्वेशन ये पॉइंट है फाइव कॉमा जीरो और ये पॉइंट था जीरो कॉमा फाइव ओके ध्यान से देखना जब भी कोई सी लाइन ड्रॉ करोगे प्लेन को टू पार्ट्स में डिवाइड करेगी दिस इज एंड दिस पार्ट लाइन के एक तो लाइन के लेफ्ट साइड में एक लाइन के लाइट राइट साइड में इस नीचे वाले पार्ट को करेंगे लोअर पार्ट लोअर साइड लोअर पार्ट कुछ भी बोल सकते हैं दिस इज द अपर साइड और अपर पार्ट ऑफ द प्लेन अपर प्लेन लोअर प्लेन ऐसे सिंपली आप बोल सकते हैं कि लाइन डिवाइड किया अपर प्लेन लोअर प्लेन टू पार्ट्स में लाइन कोई कहीं भी लाइन आप जहां बैठो वहीं पे लाइन ड्रॉ कर लो एक तो टू पार्ट्स में एक लाइन के इस साइड में एक लाइन के अपोजिट साइड में तो इसी को हमने अपर और लोअर नेम दिया है अब माई क्वेश्चन इज हमारा क्या क्वेश्चन है ये सब थोड़ा सा हटा देता हूँ ठीक है ओके सो ये हो गया अभी क्वेश्चन हमारा ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी किस है, किसकी लाइन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल इज लेस देन फाइव इज इक्वल टू फाइव की लाइन है नॉट लेस देन अभी तो हमने फाइव किया अब अगर इस एरिया का कोई पॉइंट अपर पार्ट का कोई पॉइंट लाइन के इन इक्वेशन को सटिस्फाइड करेगा तो लाइन का जो पोर्शन होगा इस साइड में हम सेडेड पोर्शन कर देंगे और बोलेंगे दिस इज द रीजन ऑफ टू वेरिएबल इन इक्वलिटीज ओके क्लियर इस एरिया में कोई सा पॉइंट ले लो आप अगर उसने सटिस्फाइड कर दिया तो दिस इज द रीजन कंटेनिंग दिस एरिया तो हमारा लाइन तो हमारे, तो हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा इधर अपर हाफ और लोअर हाफ लाइन के इस साइड में या इस साइड में एक ही साइड में सोल्यूशन आएगा दोनों साइड में सोल्यूशन नहीं हो सकता ओके सो वेरी क्लियर या तो लाइन का सोल्यूशन लोअर साइड में होगा या तो अपर साइड में होगा लाइन के लेफ्ट साइड में या राइट साइड में होगा तो दोनों ही साइड में ढेर सारे पॉइंट्स हैं आप देख रहे हैं ना यहां पे ढेर सारा पॉइंट का कलेक्शन होता है यहां पे ढेर सारे पॉइंट्स होते हैं तो जब भी लाइन के इक्वेशंस का हमें डिसाइड करना है कि इन इक्वलिटीज में कौन सा रीजन है रीजन ऑफ इन इक्वलिटीज क्या है ग्राफिकल सोल्यूशन क्या है इसका तो हमें एक कोई रैंडम सिलेक्शन करना होगा ठीक है ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है ओके okay, अब ये मैं सारा हटा देता हूँ फिर से आपको बताता तो. हूँ आपने ये समझ लिया तो फिर इन में और कुछ नहीं है सिंपल इनक्वल्टीज इट इज ओके स्टार्ट okay, फिर से मैं ड्रॉ कर दिया हमने ये अपनी लाइन जिसपे हम डिस्कस कर रहे थे <coughs> ये पॉइंट्स हैं दोनों फाइव जीरो जीरो फाइव अब इन जनरल क्या होता है अगर आपने दो लाइंस लास्ट में हमने फोर वैरायटी ऑफ लाइन पढ़ी थी सिर्फ टू कैटेगरी की लाइन होती है जो जीरो जीरो से पास करती हैं एक तो फर्स्ट और थर्ड क्वारेंट वाली और एक सेकंड एंड फोर्थ वाली जो अभी डिस्कस की थी जिनका इक्वेशन एक्स और वाई जहाँ पे इक्वेश में होते हैं उन, उन लाइन्स को अगर आप छोड़ दो तो सारी लाइन्स जीरो जीरो से पास नहीं होती हैं तो ये जो जीरो जीरो पॉइंट होगा इन जनरल हम इसी पॉइंट्स को पुट करते हैं अपनी इन इक्वलिटीज को डिसाइड करने के लिए सिर्फ स्पेशल दो टू स्पेशल केसेस में छोड़ के आप कोई सा पॉइंट पुट कर सकते हो यू आर फ्री मैंने पहले बोला बट जीरो जीरो ऑरिजन इज द पॉइंट दैट डिसाइड इन द केस ऑफ ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इस टाइप का कोई भी इक्वेशन होगा जहाँ पे ए बी और कॉन्स्टेंट टर्म गए तो हमारा जीरो जीरो डिसाइड करेगा सिंपली अगर जीरो जीरो डिसाइड सेटिस्फाइड कर लिया तो हमारा रीजन जीरो जीरो की तरफ हो जाएगा यू अगर जीरो जीरो ने सटिस्फाइड नहीं किया तो रीज़न अवे फ्रॉम दिस ओके अब इन केसेस में हम, हम हमारा क्वेश्चन पे आ जाते हैं डिस्कस कर लेते हैं एक्स प्लस वाई इज लेस देन फाइव ये है यहां पे आपने एक्स और वाई की वैल्यू जीरो पुट की तो जीरो प्लस जीरो इज लेस देन फाइव ज़ीरो इज़ लेस देन फाइव जीरो की वैल्यू लेस देन फाइव होती है यस yes, होती है जीरो इज लेस देन फाइव सही है स्टेटमेंट सही है तो दैट मीन्स जो हमारा प्लेन है प्लेन कंटेनिंग ज़ीरो ज़ीरो ये वाला पोर्शन होगा तो अब आप इसको सैडड पोर्शन कर सकते हैं तो कलर हम चेंज कर देते हैं तो दिस इज़ द रीज़न कंटेनिंग ज़ीरो ज़ीरो कंप्लीट एरिया जो मैंने रेड कलर से मैं इंडिकेट कर रहा हूँ दिस इज़ द इनिक्वल्टीज ये है एक्स प्लस वाई इज़ लेस देन फाइव अब एक क्वेश्चन और अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा आना भी चाहिए कि मैंने इक्वल का साइन नहीं लगाया तो इक्वल और यहां पे इक्वल का साइन नहीं है क्वेश्चन इज एक्स प्लस वाई इज लेस देन फाइव तो क्या ये जो सैडेड पोर्शन है इस लाइन को टच करेगा नो no. अगर इक्वल होगा तो लाइन को टच करेगा इक्वल नहीं होगा तो लाइन को टच नहीं करेगा ऐसे ही पॉइंट लेते समय आपको ध्यान रखना है वैसे तो मैंने जीरो जीरो लिया है सारे क्वेश्चन जीरो जीरो से हो जाते हैं पॉइंट्स भी लाइन पे नहीं होना चाहिए क्योंकि लाइन किसके लिए है इक्वल के लिए अब इस टाइप के क्वेश्चन को जहां पे इक्वलिटी का साइन नहीं है तो लाइन वाले पोर्शन को आप क्या करोगे डॉटेड पोर्शन कर दोगे डॉटेड मीन्स बताता हूं जो भी लाइन का पोर्शन है वहां पे डॉटेड कर दो ऐसे दैट मीन्स डॉटेड मीन्स ये लाइन अभी कंप्लीट नहीं है यहां पे सॉल्यूशन रीजन नहीं है इक्वल का होगा तो कंप्लीट लाइन आप फॉर्म करोगे ओके अदरवाइज डॉटेड पोर्शन कर दोगे तो ये सारा रीजन ऐसे भी कर सकते हैं पूरा सेट एट कर देना ये सारा रीजन क्या है हमारा एक्स प्लस वाई लेस देन फाइव का सोल्यूशन है अभी और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ज्यादा क्लियर होगा अभी हमारे पास काफी क्वेश्चन हैं सारे ये आपकी एक्सरसाइज 6.2 पहला वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं यहां पे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में इक्वल का साइन नहीं था लेस देन का साइन था सेकंड क्वेश्चन में क्या है ग्रेटर देन और इक्वल का है ओके तो सेकंड क्वेश्चन हम डिस्कस कर ले हाँ सेकंड क्वेश्चन में और ध्यान से देखिए आप x है y है और कॉन्सटेंट टर्म है दैट मीन्स जैसे लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन अभी ड्रॉ किया था वैसे ड्रॉ करेंगे तो आप लाइन के इक्वेशन को पहले ड्रॉ करना सीख लीजिए जल्दी से अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी बाकी तो कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट है ओके मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको जीरो जीरो पुट करना होता करना, है एज अ पॉइंट सिर्फ जीरो ज़ीरो आपको कहाँ नहीं पुट करना जहाँ पे एक्स और वाई है सिंपली वो अभी अलग से मैं डिस्कस कर दूंगा ठीक so, okay, है सो ओके स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन इज टू एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू सिक्स दिस इज द क्वेश्चन तो सबसे पहले आप लाइन के इक्वेशन को ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे लाइन के इक्वेशन के लिए सिंपली टू पॉइंट्स रिक्वायर्ड आप टू पॉइंट्स कैसे भी निकाल सकते हो जैसे मैंने तरीका बताया और भी कुछ आपको कन्वीनियंट लगे वहां से निकाल सकते हो एक्स एंड वाई यहां पे जीरो जीरो पुट कर दिया कभी कभी जीरो जीरो पुट करने से फ्रैक्शंस में आंसर आते हैं तो आप बेटर होगा इंटीजर्स में आंसर आए जिससे आप इजली ड्रॉ कर ले जाओ एक्स की वैल्यू अगर जीरो होगी यहाँ से कैलकुलेशन करो तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी सिक्स अब कुछ बोल रहे हो गए ग्रेटर देन सिक्स होगी सर मैंने पहले बोला है कि इसको इक्वेशन ट्रीट करो अपने माइंड में सेट करो फिर निकालना अभी हमें क्या ड्रॉ करना है टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स ये ड्रॉ करना है इक्वल का साइन लगना है तो कंप्लीट लाइन ड्रॉ करनी है इक्वल का साइन अगर नहीं लगा हुआ है यहां पे तो आपको डॉटेड लाइन करनी है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में लास्ट में चेंज किया था तो एक्स की वैल्यू अगर जीरो है तो वाई क्या है सिक्स और वाई की वैल्यू अगर जीरो है तो एक्स क्या है सिक्स बाई टू दैट इज थ्री तो हमारे पास सेट ऑफ कोऑर्डिनेट कौन कौन से हो गए हमारे पास पॉइंट कौन कौन से हो गए वी हैव द पॉइंट जीरो जीरो सिक्स एंड थ्री जीरो टू पॉइंट्स भी है हमारे पास दो पॉइंट्स हो गए ठीक है अब वन बाई वन हम ड्रॉ करते हैं लाइन तो लाइन आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं इतना तो आपको आना चाहिए ठीक है तो हमारे पास जीरो सिक्स मीन्स जीरो मीन्स फर्स्ट प्लेस पे जीरो मीन्स वाई एक्सिस सपोज करो यहाँ पे कहीं सिक्स है आप पूरा ड्रॉ कर देना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स क्योंकि मैं तो आपको सिर्फ सिंपली एक रफ आइडिया बता रहा हूँ कि ऐसे आपको ड्रॉ करना है थ्री कॉमर सिक्स है दैट मीन्स यहाँ पे हो गया थ्री कॉमर सिक्स ओके सो अब लाइन ड्रॉ करेंगे इन दोनों पॉइंट्स को पहले कलेक्ट कर दीजिए सिंपल है हम दोनों पॉइंट को एक्सटेंड कर दीजिए सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन ये तो लाइन का इक्वेशन हो गया अब आपको रीजन सेलेक्ट करना है ये वाला रीज़न होगा या फिर ये रीजन होगा उसके लिए मैंने बोला जीरो जीरो पॉइंट आप पुट करिए ठीक है जीरो जीरो पॉइंट हम पुट कर देते हैं इसमें इन इक्वेशन में जीरो जीरो पुट करना है लाइन ड्रॉ करने के लिए इक्वेशन किया प्लस जीरो 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 की वैल्यू जीरो इज ग्रेटर देन सिक्स इज इट राइट अपने आप से पूछो जीरो सिक्स से बड़ा होता है नो तो जीरो इज नॉट ग्रेटर देन सिक्स दैट मीनस रीजन अवे फ्रॉम जीरो 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 के साइड को रीजन कंटेन नहीं करेगा हमारा रीजन कौन सा हो जाएगा ये वाला पोर्शन ये दिस इज द ये सारा पोर्शन क्या होगा हमारा जीरो जीरो को कंटेन नहीं करेगा अब लाइन को टच करेगा क्योंकि इक्वल का भी साइन है दैट मीन्स दिस पोर्शन ऑफ लाइन अबव द लाइन ऑल द रीजन एबव द लाइन ये सारा पोर्शन हमारा क्या होगा दिस इज द ग्राफिकल सोल्यूशन ओके सो ये ग्राफिकल सोल्यूशन है आई होप थोड़ा सा तो आपको समझ में आया होगा बहुत सिंपल हैं ये सारे कॉन्सेप्ट बट ध्यान रखिएगा इक्वल का साइन नहीं है तो हम लाइन को डॉटेड से यूज करेंगे लाइन अगर आपने ड्रॉ करना सीख लिया तो आप सब कुछ सीख जाओगे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट देख रहे होंगे एक्स वाई हर जगह हैं कोई एक एक तो क्वेश्चन मैं आपको और डिस्कस कर देता हूँ आई थिंक दिस सिंपल एक्सरसाइज इट इज़ नाइन टेन में से एक कोई डिस्कस कर दूंगा अलग है यहाँ पे एक्स है और कॉन्सटेंट है वाई है और कॉन्सटेंट टर्म है तो ओके okay. क्वेश्चन नंबर कौन सा डिस्कस कर दो क्वेश्चन नंबर सेवन ओके सेवन इज द फेवरेट नंबर तो सेवन स्टार्ट करेंगे सेवन क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं ओके क्वेश्चन नंबर सेवन इज माइनस थ्री एक्स प्लस टू वाई इज ग्रेटर देन इज ग्रेटर देन सिक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू सिक्स हो okay, गए तो सिंपली इसको पहले आप इक्वेशन जैसा ट्रीट करिए एक्स प्लस टू आई तो सबसे पहले आपको तो लाइन ड्रॉ करनी है तो लाइन किसकी ड्रॉ होगी इक्वेशन की इक्वल का साइन है तो पूरी लाइन ड्रॉ होगी अगर इक्वल का साइन नहीं है तो डॉटेड लाइन ड्रा होगी बस इतना ध्यान रखना सिंपली फिर से मैं वही बनाने जा रहा हूँ आप देख रहे हैं एक्स एंड वाई यहाँ पे जीरो यहाँ पे जीरो एक्स की वैल्यू ज़ीरो होगी तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी थ्री अगर वाई की वैल्यू ज़ीरो हो गई तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई एक्स इज माइनस टू अब हमारे पास जो पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट आए हैं क्या हैं जीरो थ्री एंड माइनस टू जीरो यही तो होता है एक्स और वाई की वैल्यू के पेयर तो ये वर्टिकल ये पेयर हो गया ये पेयर हो, हो गया यही तो होते हैं अब जल्दी से आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए एक्स की वैल्यू जीरो है दैट मीन्स जीरो कॉमा थ्री ये वाला पॉइंट जीरो कॉमा थ्री हो गया और माइनस टू कॉमा जीरो तो ये लोकेशन हो गई माइनस टू की मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में जीरो अब आपको लाइन ड्रॉ करनी है तो यू कैन ड्रॉ द लाइन ईजिली इन दोनों को कनेक्ट कर दीजिए ये लाइन का इक्वेशन हो गया ठीक है स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है तो मैं थोड़ा सा जिग जैग हो गई मेरी लाइन बट आपको स्ट्रेट ड्रॉ करना है ठीक है ओके अब फिर से जीरो जीरो पुट कर दीजिए आपको पता लग जाएगा डाउन साइड वाला है कि अप साइड वाला पोर्शन है जीरो पुट करिए यहां पे यहां पे जीरो पुट करिए देखिए इसमें यही तो इन है यहां पे जीरो पुट करिए x की वैल्यू जीरो y की वैल्यू जीरो मीन्स जीरो प्लस ज़ीरो इज ग्रेटर देन सिक्स ज़ीरो की वैल्यू सिक्स से ग्रेटर होती है नो दैट मीन्स द पोर्शन नॉट कंटेनिंग जीरो 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 की तरफ हम लाइन को ड्रॉ नहीं करेंगे सो दैट मीन्स हमारा लाइन किस साइड में ड्रॉ होगा ओके okay. तो ये अप साइड वाला पोर्शन होगा कंटेनिंग लाइन ओके अगर यहीं पे लेस देन का साइन होता तो हम डाउन साइड में कर लेते बस इतना ही है तो बहुत इजी चैप्टर है एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं ओके नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन एक्चुअली माइनस सिक्स का था ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जो माइनस सिक्स का था तो वहां पे हम पोर्शन नीचे की तरफ हो जाएगा ठीक है हमने मैंने प्लस सिक्स वाला आपको एक्सप्लेन किया है ना प्लस सिक्स वाले में ये यहां पे ऐसे ड्रॉ किया था यही तो किया था एक मिनट जल्दी से यहीं पे बना लेता हूँ ये इस टाइप की सिचुएशन थी मैंने अपसाइड वाला किया था क्योंकि मैंने जीरो जीरो पुट किया तो जीरो इज ग्रेटर देन सिक्स जो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया इसलिए जीरो के साइड में नहीं गए अब जीरो जीरो आप पुट करोगे तो जीरो इज ग्रेटर देन माइनस सिक्स यस तो माइनस सिक्स डाउन साइड में पोर्शन होगा तो आप वहां पे चेंज कर सकते हो या क्वेश्चन चेंज कर सकते हो दोनों एक ही बात एक्चुअली मेरा मोटिव था आपको बताना एग्जैक्ट क्वेश्चन है तो ये वाला ग्राफ वहां पर चेंज हो जाएगा थोड़ा सा ठीक है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो सही है बट इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ग्राफ ऐसा होगा ओके okay, सो so, ये अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और सेलेक्ट कर लेते हैं जो थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि हमने अभी तक सारे क्वेश्चन वैल्यू लेस देन टू है देन क्वेश्चन इज वाई इज लेस देन टू वाई की वैल्यू लेस देन टू ओके दैट इज माइनस टू एक्चुअली वही प्रॉब्लम माइनस प्लस की तो सिंपल है ये क्वेश्चन आपको ड्रा करना वाई इज इक्वल टू माइनस टू आप ड्रॉ कर दीजिए यहाँ पे आपको पॉइंट्स भी पॉइंट्स की भी रिक्वायर्ड वाई इज इक्वल टू माइनस टू मीन्स वाई की वैल्यू फिक्स है माइनस टू मीन्स हमें लाइन ड्रा करनी है पैरेलल टू एक्स एक्सिस सिंपली वाई की वैल्यू की बेना मीन्स एक्स एक्सिस की लाइन ड्रा करनी है तो ये लाइन यहाँ पर ड्रा हो चुकी है ओके okay? अब वाई इज लेस देन माइनस टू तो सिंपल है यहाँ पर तो कोई पॉइंट्स आप रखो या ना रखो कोई प्रॉब्लम नहीं है y की वैल्यू लेस देन माइनस टू मीन्स लेस देन माइनस टू की तरफ जाएगा या जीरो जीरो आप पुट भी कर सकते हो जीरो इज लेस देन माइनस टू नो दैट मीन्स द रीजन नॉट कंटेनिंग जीरो जीरो या सिंपली आप जानते हो y इज लेस देन माइनस टू मीन्स डाउन साइड में ही ग्राफ जाएगा इक्वल का साइन नहीं है इसलिए ग्राफ कैसा बनेगा डॉटेड बनेगा सो so, हमने डॉटेड लाइन भी ड्रॉ नहीं की है तो आप इसको मेक इट डॉटेड लाइन ओके सो डॉटेड लाइन में बना देता हूँ ये तो हो गया आपका पोर्शन और ये हो गई डॉटेड लाइन ये लाइन डॉटेड हो गई ठीक है ये लाइन किसकी लाइन है y इज इक्वल टू माइनस टू की लाइन है डॉटेड पोर्शन मीन्स ये पोर्शन इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है तो x इज लेस देन वाई इज लेस देन सिंपल x और टर्म आए तो उनका स्ट्रेटजी ये होगी ओके okay, तो आई होप ये भी हो गया आपका ओके okay. अगर आपके क्वेश्चंस में एक्स और वाई आते हैं कांस्टेंट टर्म नहीं होते हैं तो हाउ डि डील विद दिस सिचुएशन लाइक दिस तो कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं मैं सपोज टू एक्स प्लस फोर वाई इज लेस देन जीरो इसकी इन बनानी तो यहां पे एक्स है वाई है कांस्टेंट टर्म में अब जीरो को काउंट मत करना ठीक है वैसे तो जीरो काउंट होना चाहिए बट यू कैन राइट दिस इक्वेशन लाइक दिस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट तो, like तो, तो है नहीं बेसिकली मैंने पहले से भी बता रखा है आपको अब यहाँ पे हमें क्या करना है देखना ध्यान से ये थोड़े अलग हैं आपको नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज में मिलेंगे यहाँ पे है नहीं और ये जरूर आते हैं आपके सिक्स मार्क्स के क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट ये यूज होगा एक्स और वाई यहाँ पे देखो एक्स और वाई के कोफिशंट आपस में अपोजिट है एक्स का कोफिशियंट टू है वाई का माइनस फोर है दैट मीन्स दोनों के साइन अपोजिट हैं तो दोनों साइन अपोजिट कहाँ पर होता है फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन अपोजिट होते हैं और ये लाइन कहाँ से पास करती है जीरो जीरो से पास करती है तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको याद होगा अभी जस्ट मैंने बताया अभी था तो ये लाइन कहाँ से पास करेगी जीरो जीरो से दिस लाइन ऑलवेज बेस पास थ्रू जीरो 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 से इस लाइन में पास किया ओके okay, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है आपका अपसाइड वाला पोर्शन होगा या डाउन साइड वाला क्योंकि पॉइंट जीरो जीरो पॉइंट तो लाइन पे है तो अब ये वाला पॉइंट डिसाइड नहीं करेगा ठीक है अब हमें कोई दूसरा पॉइंट लेना होगा तो सिंपल आप कोई सा पॉइंट ले लो मैंने पहले भी बताया था आप जीरो जीरो भी ले सकते हो कोई पॉइंट लेते हो जीरो जीरो अब लाइन पे है तो हम जीरो जीरो का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ऑन द दोस पॉइंट लाइज ऑन द लाइन वी नेवर यूज टू डिसाइड इन इक्वलिटीज क्योंकि वो पॉइंट तो लाइन पे है तो वो कैसे डिसाइड करेगा ठीक है तो यहां पे नॉर्मली आप एक्स एक्सिस एक्सिस पे कोई सा पॉइंट ले लिए मैं एक्स एक्सिस पे प्रीफर करूंगा आप वन जीरो बहुत सिंपल पॉइंट है वन जीरो लाइन पे तो है नहीं तो वन जीरो पुट करोगे वाई की वैल्यू जीरो तो टू इंटू वन दैट इज टू वाई फोर इंटू जीरो प्लस जीरो मीन्स टू इज लेस देन टू इज लेस देन जीरो इज इट राइट नो दिस इज नॉट राइट दैट मीन्स जो पॉइंट जो रीजन होगा वो इस वाले पॉइंट की डायरेक्शन में नहीं होगा तो ये वाला पॉइंट आप साइड में है तो हमारा रीजन कहाँ पे जाएगा लोअर साइड में ओके okay? तो ये ग्राफ ड्रॉ करने का तरीका है और दूसरा यहां पे इक्वल्टी का साइन नहीं इसलिए डॉटेड होना चाहिए तो मैं यहाँ पे इक्वल्टी भी लगा देता हूं तो मेरा ये ग्राफ इस वाले के लिए परफेक्ट है तो यहां पे थोड़ा सा चेंज है कि जब आप एक्स वाई के साथ सिर्फ डील कर रहे हो इस टाइप के लाइन के साथ जहां पे जीरो जीरो ऑन द लाइन है तो जीरो जीरो इज द पॉइंट नॉट एबल टू डिसाइड द इनइक्वलिटी इज रीजन आपको दूसरा पॉइंट रखना होगा जो लाइन पे नहीं है बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है तो सबसे पहले आप लाइन ड्रॉ करना आना चाहिए जो स्टार्टिंग में बता दिया उसकी खूब प्रैक्टिस कर लो 6.2 कंप्लीट कर लो 6.2 से एक्चुअल में क्वेश्चन बहुत नहीं आते एक्चुअली वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए 6.3 पॉइंट ही इज द मेन थीम जहां पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ढेर सारे इक्वेशन को पूछा जाएगा कि कौन सा रीजन इसको सेटिस्फाइड करता है तो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे मैं अब लाइन नहीं बताऊँगा आपको लाइन की प्रैक्टिस करके रखनी होगी अब डायरेक्ट क्वेश्चन डिस्कस होंगे ओके तो और बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है बहुत ईजी चैप्टर्स हैं ये आपने देखे होंगे तो हमारे पास दो एक्सरसाइजेज और हैं सिक्स पॉइंट थ्री एंड मिसलेनियस वन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अगला टॉपिक तो ईजिली हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ओके थैंक्स टू ऑल